हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है कीटोजन क्रीम। यानी कि जो कीटोजन क्रीम है, इसके बारे में आज की वीडियो है पूरी होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए टाइम को बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कीटोजन क्रीम है, इसकी कंपनी की बात करेंगे जो मार्केटेड बाय है इसकी मेडली फार्मास्यूटिकल। उसके बाद 93 रुपीज के आसपास में आपको 20 ग्राम की ट्यूब किसी मेडिकल स्टोर से, केमिस्ट शॉप से आप आसानी से अवेलेबल परचेज कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे इसमें कंपोजिशन, यानी कि यह सिंगल कंटेंट वाली मेडिसिन से जो केटोकोना जो 2% इसमें अवेलेबल किया गया है। तो आप देखेंगे जो केटोकोना जो है, इसके इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम पे किया जाता है। जैसे कीटोकेन जो 2% एक एंटी फंगल दवा है, जिसका इस्तेमाल फंगी के कारण त्वचा पर होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। जैसे कि एसिड फूड दाद, उसके बाद श्वेतराशि भी इसमें शामिल होते हैं और यह फंगी को मार करके उसके अवरोध कार्य करती है, जिससे संक्रमण ठीक हो जाती है और उससे होने वाले सिम्टम्स भी आपको ठीक हो जाती है। और भी इसका देखेंगे इस्तेमाल, जैसे कि इसका मुख्य इस्तेमाल हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, उसके बाद अन्य लाभ कैंडिडाइटिस, पेरिफेरल सेबोरिक डर्मेटाइटिस, दांत खाज खुजली, जौ खुजली, नाभि इन्फेक्शन और सिर में खुजली। यानी कि जौ खुजली मतलब होता है दो जागों के बीच में अगर आपको इचिंग वगैरह हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यूज करने के इसका सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद आप इसके अफेक्टेड एरिया पे इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर के उस सब स्थान पे आपको इसको लगाना है। यानी कि 2 से 3 टाइम आपको यूज करना है, उस स्थान पे आपको सोप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे कि एक कॉर्ड एक्सटर्नल यूज मेडिसिन से, जिसका इस्तेमाल आप बाहरी हिस्सों के लिए करेंगे, आंतरिक हिस्सों के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी जो पैकेजिंग है और टीम की पैकेजिंग आती है, जो कि काफी अच्छी और काफी इफेक्टिव है। आपको किसी मेडिकल स्टोर से आप आसानी से अवेलेबल परचेज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करने के बाद कर सकते हैं। तो अब देखेंगे इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है उल्टी या मतली, त्वचा पे रैशेज, चकत्ते आना, उसके बाद अफेक्टेड एरिया पे जलन या खुजली हो सकती है। तो अगर आपको इसका कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप इसको लगाना फौरन बंद कर देंगे, फौरन किसी डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।